तिकड़ी बनाकर फंसता जा रहा है बलात्कार का दोषी जेल में बंद राम रहीम, जिसकी तिकड़ी में बाकी दो किरदार हैं हनीप्रीत और विपासना। सबसे करीबी हनीप्रीत ने 38 दिनों तक पुलिस को बुरी तरह से छकाया। पकड़ी गई तो पुलिस रिमांड में एक्टिंग करती रही, लेकिन तिकड़ी की तीसरी किरदार विपासना जब पुलिस के सामने पहुंची तो अब खेल पलटने लगा है। हनीप्रीत और विपासना को आमने सामने बिठाकर पूछताछ के बाद राम रहीम कैसे अपने ही मोहरों के हाथों मात खाने लगा है, ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ है हनीप्रीत और एक तरफ विपासना, बीच में राम रहीम। क्या हनीप्रीत और विपासना के बीच की तू तू मैं में फंस गया राम रहीम? राम रहीम की कथित मुंहबोली बेटी हनीप्रीत और राम रहीम का डेरा संभालने वाली विपासना जब आमने सामने आई तो पहले पपक पपक कर रोने लगी। लेकिन चंद मिनट बाद हनीप्रीत और विपासना में हुई लड़ाई ने जेल में बंद राम रहीम के लिए संकट बढ़ा दिया। क्या दो लड़कियों के भरोसे धर्म का बाजार चला रहा राम रहीम अब खुद धर्म संकट में फंस गया है? काफी हद तक जो एज पर द इन्वेस्टिगेशन ये बात आई है कि जी कुछ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हमारे पास हमें मिली है जिसके बारे में अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। राम रहीम रोहतक जेल में बंद है और पापा की परी हनीप्रीत 200 किलोमीटर दूर अंबाला जेल में, लेकिन आजाद है तो सिर्फ पिताजी की पुरानी साध्वी विपासना। क्या हनीप्रीत और विपासना के चक्कर में अब राम रहीम का खेल खत्म हो गया है? क्या उस दिन आपकी हनीप्रीत से मुलाकात हुई थी? अच्छा ये बताइए, जब हनीप्रीत डेरे से निकली तो क्या उसके पास कोई सामान था? उसके पास कौन से ऐसे दस्तावेज थे? किस रास्ते से बाहर आई थी वो, जवाब दीजिए। हनीप्रीत जब फरार थी तब उसकी आपसे कितनी बार बात हुई? ये कहानी है हनीप्रीत की, जो राम रहीम के साथ साए की तरह दिखती, और विपासना की, जो राम रहीम के हर कच्चे चिट्ठे पर साए की तरह रहती। लेकिन अब राम रहीम के यही दो चेहरे उसकी हर चाल, उसके हर चरित्र पर भारी पड़ रहे हैं। राम रहीम के जेल जाने के बाद हनीप्रीत जिसे सबसे पहले जाकर मिली वो थी विपासना। बाबा जेल गया तो सोचा होगा मुंह बोली बेटी और पुरानी भरोसेमंद साध्वी खेल संभाल लेंगे, लेकिन जब शुक्रवार को पुलिस के सामने हुआ हनीप्रीत और विपासना का आमना सामना तो राम रहीम का खेल बना नहीं, बिगड़ गया। शुक्रवार को पंचकुला के थाने में रफ्तार के साथ दाखिल हो रही इस गाड़ी से जब राम रहीम के डेरे को अब संभालने वाली विपासना पुलिस के बुलाने पर सवालों का जवाब देने पहुंची तो अंदाजा नहीं था कि अंदर बाबा के लिए कौन सा बवंडर आने वाला है। विपासना के इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंचते ही सामने हनीप्रीत दिखी, जो उसे पकड़कर रोने लगी। लेकिन फिल्मों की हनी और डेरे की मनी संभालने वाली इन दो हमराज के आंसू थोड़ी देर में राम रहीम के फिल्मों की तरह टॉप। जब शुरू हुआ हनीप्रीत की मौजूदगी में विपासना से सवालों का सिलसिला। क्या 25 अगस्त की रात को हनीप्रीत सिरसा के डेरे में आई थी? बताइए, क्या उस दिन आपकी हनीप्रीत से मुलाकात हुई थी? अच्छा ये बताइए, जब हनीप्रीत डेरे से निकली तो क्या उसके पास कोई सामान था? उसके पास कौन से ऐसे दस्तावेज थे? किस रास्ते से बाहर आई थी वो, जवाब दीजिए। हनीप्रीत जब फरार थी तब उसकी आपसे कितनी बार बात हुई? राम रहीम को सजा से पहले 17 अगस्त को सिरसा के डेरे में जो मीटिंग हुई थी क्या आप उसमें मौजूद थी? क्या आपके सामने ही पंचकुला की हिंसा की प्लानिंग हुई थी? पंचकुला में हिंसा के लिए जो पैसा बांटा गया वो कहां से आया था? 9 घंटे तक हनीप्रीत के सामने विपासना से 100 से ज्यादा सवाल पंचकुला में पुलिस वालों ने किया, और इन्हीं सवाल जवाब के दौरान जेल में बंद राम रहीम के लिए उसके अब तक रही हमसाए हनीप्रीत और विपासना ने संकट खड़ा कर दिया। क्योंकि गले मिलकर रोने वाली हनीप्रीत और विपासना सवालों के दौरान आपस में ही लड़ने लगी। हनीप्रीत और विपासना के बीच पूछताछ के दौरान ऐसी लड़ाई हुई
एसआईटी के एसीपी को दोनों को शांत कराने के लिए उठना पड़ा। आप सोचेंगे कि राम रहीम का एक एक राज जानने वाली हनीप्रीत और विपासना क्यों लड़ी, तो इससे जुड़े सवाल तीन तस्वीरों में हैं। दोनों के बीच बहसबाजी की पहली वजह है पंचकुला में हिंसा के लिए हुई 17 अगस्त की मीटिंग, दूसरी वजह है हनीप्रीत का लैपटॉप और कुछ जरूरी दस्तावेज, और इन दोनों मुद्दों पर विपासा का कुछ भी बोलने से इनकार, कुछ भी जानने से इनकार करना तीसरी वजह है। दरअसल अभी पंचकुला में हिंसा भड़काने के लिए हुई मीटिंग को लेकर सिर्फ हनीप्रीत पर ही देशद्रोह का केस दर्ज है, तो क्या हनीप्रीत अब विपासना को भी हिंसा भड़काने के मामले में घसीटना चाहती है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये वजह समझिए पूछताछ के सवाल जवाबों से। हनीप्रीत ने कहा कि 17 अगस्त की मीटिंग में विपासना भी मौजूद थी और उसने विपासना को मीटिंग में देखा था। विपासना कहती है कि वो डेरे में जरूर थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम होते थे, इसलिए उस मीटिंग में वो थी ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक यही वो पहला सवाल जवाब का हिस्सा था जब हनीप्रीत और विपासना आपस में लड़ गए। विपासना को लगा कि हनीप्रीत उसे भी हिंसा भड़काने के मामले में फंसा रही है, इसलिए वो साफ इनकार करने लगी, लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकी। सवाल जवाब के दौरान हनीप्रीत ने कहा रोहतक से आने के बाद वो डेरे में विपासना से मिलने गई थी। विपासना से मुलाकात के दौरान लैपटॉप, कुछ डॉक्यूमेंट और मोबाइल विपासना को दिया था। ये सुनते ही विपासना भड़क जाती है और कहती है नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ मोबाइल मिला था, उसके अलावा कुछ नहीं, ना ही मुझे कुछ याद है। इसके बाद विपासना ने हनीप्रीत का मोबाइल फोन तो पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन फोन के डाटा से छेड़छाड़ की गई है, इसलिए फोन को साइबर लैब में जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हनीप्रीत ये कह रही है कि लैपटॉप और दस्तावेज विपासना के पास है, तो विपासना लगातार इनकार क्यों कर रही है? अब इसकी कुछ वजहों के बारे में सोचिए। क्या हनीप्रीत को डर लगने लगा है कि विपासना कहीं अब पूरे डेरे को अपने हाथ में ना ले ले? क्या हनीप्रीत को इस बात का खौफ है कि जो साम्राज्य राम रहीम और हनीप्रीत ने खड़ा किया वो दोनों के जेल जाने के बाद विपासना के हाथ में ना चला जाए? क्या हनीप्रीत को इस बात का भी डर है कि बाबा फंस गया, हनीप्रीत फंस गई, विपासना क्यों बचती रही? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द विपासना और हनीप्रीत की चक्की में अब राम रहीम और फंसता जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।